डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिकल है, वो है लॉगिन टू रिमोट डेस्कटॉप यूजिंग टीम व्यूअर यूटिलिटी। ये प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, सिलेबस है अपने BTR का, उसके अकॉर्डिंग ये हम ले रहे हैं। तो टीम व्यूअर यूटिलिटी या टीम व्यूअर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप के रिमोट यानी रिमोट डेस्कटॉप को आपको एक्सेस करने की परमिशन देता है। मीन्स सीधा सा यहाँ देखें, ये CS 210 सेकेंड ईयर का टॉपिक PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ देखिए कि सपोज कीजिए कि आप या कोई कंपनी है उसके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, या आप यहाँ पे कंप्यूटर आपका चल रहा है ऑफिस में और आप घर पे बैठे हैं, छुट्टी पे हैं, या आप कोई काम आए हुए हैं, या आपने छुट्टी ले रखी है और आप ये चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट आप घर पे हैं, किसी स्टूडेंट भी अपने घर पे है, उसका लैपटॉप में कुछ रन नहीं हो रहा है या प्रोग्राम नहीं चल रहा है, और वो कहता है कि सर ये प्रैक्टिकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं प्रिंटर इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सी का प्रोग्राम नहीं चला पा रहा हूँ, तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आप ऐसी कोई फैसिलिटी है आपके पास जो डेस्कटॉप रिमोट डेस्कटॉप को लॉगिन कर सकूँ मैं? तो वो कहेगा साहब मैंने परचेज किया हुआ एक सॉफ्टवेयर वो जो कंट्रोल कर सकता है। तो मान लीजिए कि टीम व्यूअर है, ऐसे बहुत से आते हैं, पर्टिकुलर कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ टीम व्यूअर सिलेबस में लिखा हुआ है, हम इसकी बात करेंगे। तो जब भी आप कोई टीम व्यूअर जैसी कोई फैसिलिटी या उससे अच्छा या उससे वो किसी से भी अच्छा हो सकता है, या एक कोई भी सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे से कोई ना कोई फैसिलिटी में अच्छे होते हैं, सब अपने आप में कोई कम नहीं होता, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा शूट करता है, या हम किसको हमारे लिए कितना अच्छा उसको हम मैनेज कर सकते हैं, या हम उसको फेमिलियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज ले सकते हैं, टीम व्यूअर भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए आपका आते होंगे, वो आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज करके ही आपको काम करना है, फ्री का आपको काम नहीं करना। अब बात आती है कि ये तो जब हम इस स्टूडेंट के घर पे जो लैपटॉप है उस पर आप इंस्टॉल करेंगे जो रिमोट डेस्कटॉप यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है, जो वो सॉफ्टवेयर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पे मैं भी मेरे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी इंस्टॉल कर लूँगा, और दोनों ही इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए, दोनों ही इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद में जब वो इसको वो कहेगा कि साहब मेरा ये प्रोग्राम, सर मेरा ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या वो कहाँ कुछ उसका लॉजिक गलत है, या एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो नहीं लिख रहा है, या कोई वेरिएबल उसने डिक्लेयर गलत किया है, या सेमीकोलन लगाना था वहाँ नहीं लगाया है, या कोई वैल्यूज़ असाइन करने में, या ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, या कोई भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, या वो पकड़ में नहीं आ रही, या वो उसके सामने नहीं आ रही है, तो मैं कहूँगा कि तू मेरा ये डेस्कटॉप है इसको मेरे पास ले आ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो प्रोग्राम चला रहा है कोई भी, वो यहाँ पे लाना है मेरे को, उसकी स्क्रीन यहाँ लानी है और मैं उसकी स्क्रीन को यहाँ से कंट्रोल करके देख सकूँ, प्रोग्राम को चला सकूँ। तो वो इंस्टॉल करेगा उसको और इंटरनेट होगा। अब वो जब ओपन करेगा तो वो ओपन करेगा और मैं भी उस टीम व्यूअर फैसिलिटी को ओपन करूँगा, उसको डेस्कटॉप रिमोट फैसिलिटी को ओपन करूँगा, तो उसके यहाँ पे आएगा एक तो योवर आईडी लिखा हुआ, या योवर आईडी और पासवर्ड। तो जब योवर आईडी और पासवर्ड तो यहाँ इसके पास आ जाएगा कि पार्टनर, अगर टीम वर्म की बात है, पार्टनर आईडी ये आएगा। तो पार्टनर आईडी जब इसकी हम आईडी यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आईडी है लिख देंगे, तो ये कनेक्ट इससे कनेक्ट होगा तो इसमें पासवर्ड भी आता है, तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा पासवर्ड भी लिखो, तो यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड जगह ओके करूँगा, तो मेरे पास इस कंप्यूटर पे इसका डेस्कटॉप खुल जाएगा और मैं कीबोर्ड माउस के द्वारा इसको यूज़ ले लूँगा। और अगर मैं यहाँ से अगर माई कंप्यूटर खोलूँ और मैं मान लीजिए कि प्रोग्राम कोई भी चल रहा है उसका, कोई भी सी का प्रोग्राम या उसको चल रहा, तो उसका मैं GUI खोलूं, GUI ओपन करके मैं प्रोग्राम को देखूं कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती है तो उसमें मैं ये कहूंगा कि भाई ये गलती है, ये सुधार करनी है, और मैं सुधार करता जाऊंगा और देखता जाएगा, फिर इस प्रोग्राम को रन करूंगा, उसको भी दिख रहा है
वहाँ डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है उसको दिख रहा है, और मेरे पास कंट्रोल है, मैं उसको टाइप वगैरह भी कर रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे आके और जब वो रन कर लेगा प्रोग्राम को तो उसके पास में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा मीन्स ये प्रोग्राम में यहाँ इसकी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन हो गया, और फिर हम उसके बाद में उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम फाइल ट्रांसफ़र, और भी फैसिलिटी है लेकिन हम जैसे फाइल ट्रांसफ़र है, आपको मीटिंग भी करनी है अलग अलग तीन चार स्क्रीन्स को एक साथ करके मीटिंग्स का रूप में भी इसको यूज लेना है, चैट का भी है। तो ये फैसिलिटी आप जब इस ऐसे सॉफ्टवेयर को परचेज़ करके यूज़ करेंगे तो आपको पूरी फैसिलिटीज आ जाएंगी। और बाकी लैब में हम इसके बारे में आगे और आप देख के इंटरनेट का भी यूज़ करके आप देखिए इसके कंटेंट्स को और पढ़िए, और जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको भी यूज़ करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।